हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो थिंग्स नो आइडिया। मैं रुपेश शर्मा, मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो यूट्यूब से रिलेटेड है। अगर कोई भी यूट्यूब पे अपना न्यू चैनल क्रिएट करना चाहता है तो 2020 के अकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में चैनल क्रिएट करना इट्स सो बेटर देन एक्सपीरियंस। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ट्रैक है कि अगर आप यहाँ पे आप अपना चैनल अगर क्रिएट कर रहे हैं, अगर एज ए अगर यहाँ से मनी अर्न करने के लिए चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप आए हैं यूट्यूब से, अगर आप वीडियो देखते हैं कि यूट्यूब पे हाउ टू अर्न इन मनी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो वैसे नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आके आपके अंदर जो फील्ड में वर्क करते हैं, आपको जिस फील्ड का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं तो इट्स सो बेटर देन। क्योंकि यहाँ पे इधर उधर से कोई भी टॉपिक उठा के थोड़ा बहुत एक दो वीडियो बना के यहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए नॉलेज एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं और आपको भी करना है, इसलिए आपको इस फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। YouTube पे वर्क करना कोई ख़ास चीज़ नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। इसके लिए आपके पास अच्छा टॉपिक होना चाहिए, एक अच्छा नीश होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे YouTube पे काम करने के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर कोई भी ऑडियंस आपके चैनल पे आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है ऑडियंस को ट्रैक करना अपने अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आप अपना चैनल बनाए हुए हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो आपका ऑडियंस अगर आपके चैनल पे आता है तो इस अकॉर्डिंग आना चाहिए कि जब भी आप नया वीडियो कुछ भी ब्लॉग अपलोड करें तो आपका ऑडियंस आपके चैनल पे दोबारा विजिट करें। क्योंकि अगर आप इधर उधर से कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं या बिना नीश बिना कोई टॉपिक का, तो इसके अकॉर्डिंग चैनल तो थोड़ा टाइम के लिए चलेगा और आपका जो भी ऑडियंस होगा वो आएगा विजिट करेगा। अगर ज़्यादा टाइम तक, अगर लॉन्ग टाइम तक यूट्यूब पे काम करना है तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है और अच्छा से अच्छा टॉपिक और अच्छा से अच्छा नीश और अच्छा से अच्छा वीडियो इस पर देना होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म काम करने के लिए यूट्यूब पे सब कंपलसरी होता है। अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो ऐसे यार इस पर आने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूट्यूब में अगर 2020 में अगर आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप अपने YouTube चला रहे हैं, YouTube चैनल को चलाते हैं, तो उसको हर दिन एनालाइज करना पड़ता है। जैसे कि कितने आपके विजिटर आए, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना लाइक हुआ, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगेन दूसरा पॉइंट, अगर आप YouTube पे नया नया अपना चैनल अभी अभी क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे आपको हर दिन एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज एक वीडियो अपलोड कर दिया है और 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इससे कोई आपको प्रॉफिट नहीं होता है, इससे आपको लॉस ही होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको हर दिन एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो आप जैसे यूट्यूब पे कोई भी बंदा आता है तो आया, आज वीडियो अपलोड किया, कल वीडियो अपलोड किया, परसों किया, फिर अगेन हो 10 दिन बाद वीडियो अपलोड किया, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि YouTube का एक टर्म एंड कंडीशन है,
यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर के अकॉर्डिंग वाचिंग टाइम होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका चैनल मोनेटाइज पे जाता है। अगर मोनेटाइजेशन होता है, अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन पे ले जाना है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको हर दिन यहाँ पे वीडियो अपलोड करना पड़ता है और इसको एनालाइज करना पड़ता है। पहले YouTube पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पहले आप थोड़ा सा भी वीडियो, जैसे कि 10 आवर वीडियो कोई भी देख लिया तो आपका चैनल मोनेटाइज पे चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे बंदे आते थे जो इधर उधर का कोई वीडियो डालते थे, कहीं से भी कॉपी करके डाल देते थे। इसमें YouTube पे बहुत प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे उनका वीडियो ट्रेंड करने लगता था, तो ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो थोड़ा टाइम के लिए आए, वीडियो डाले, उनका वीडियो ट्रेंड कर गया, थोड़ा पैसा अर्न हो गया, उसके अकॉर्डिंग ही यूट्यूब पे चैनल छोड़ के फिर चले जाते थे। इस पे ऐसा यूट्यूब का नया नियम है, उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब ने ऐसा किया कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं या यूट्यूब के ट्रैक पे नए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आए अपना, जैसे कि यहाँ पे पहले जो भी यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करें, उसके अकॉर्डिंग आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अगेन यहाँ पे अगर कोई भी बंदा आता है, आके थोड़ा टाइम काम करके जाता है, तो उसके लिए नॉट प्रॉफिट उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करता है एक प्रॉपर व्यू और प्रॉपर ट्रैक के अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहाँ पे जो भी आता है, इसके लिए यूट्यूब ने नया टर्म एंड कंडीशन जारी किया 2019 में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आता है उसको उसका टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करना होता है, अगेन उसका चैनल मोनेटाइज होता है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई भी आता था, थोड़ा बहुत काम किया, 2-4 वीडियो डाला, उसका वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता था, इधर का वीडियो उठा के उधर कॉपी करके डाल देता था, फिर भी ट्रेंडिंग करता था, उससे उनका पैसा अर्न होता था और वहाँ से वो बैकआउट कर देते थे। इसके अकॉर्डिंग यूट्यूब ने इस चीज़ को बंद कर दिया। इसके लिए आपको हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हुए हैं, अगर यूट्यूब के अकॉर्डिंग और जानकारी चाहिए, तो आप इस नए वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियो